सिंगुलर शोल्डर की फिटिंग चल रही है, तब बिफोर देख लो, अब आफ्टर दिखा देंगे आपको। परेशान होते हैं, ये दिखा रहा हूँ। ये लोग कहते हैं इससे दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आती भाई, चढ़ जाता है इजीली। चढ़वाना है प्रोफेशनल तरीके से, काम करवाओ ना भैया। हाँ करवाना है तो कहाँ है, ऑटो लीड कार से गोलू तिवारी के पास आते हैं। गोलू तिवारी के पास आने होटल 20,500 का मिलेगा, लेकिन यहाँ होगा तो बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, कम से कम 50% तक का ऑफर मिल सकता है आपको। जो भी काम होगा क्वालिटी के अंदर होगा, और एक कस्टमर का अपना कस्टमाइज डिजाइन है जी। एक कस्टमर ने स्पेशल कस्टमाइज करवाया अपने हिसाब से, जैसे ऊपर बर्फी करवा दी, नीचे अपना स्ट्रेट करवा दिया। आपके आज हम आ गए अपना करोल बाग में ऑटो लीड, और हमारे साथ रहने वाला गोलू भाई जी। और गोलू कौन सी गाड़ी है सब बताओ एक बार। किया कैरेंस प्रीमियम मॉडल रहने वाला है, जिसको लग्जरी प्लस बना रहे हैं। ऐसे कैसे लग्जरी कैसे बनेगी? लग्जरी प्लस जो मेन फीचर्स होता है, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सनग्लास होल्डर, सीट कवर्स और क्रोम आइटम। अच्छा क्रोम आइटम भी सारी लग रही है इसके अंदर। ओके सो भाई ये मॉडल कौन सा रहने वाला है? प्रीमियम मॉडल कंपनी से जो आता बेस। हाँ प्रीमियम कहते हैं इसमें, आते हैं 5 मॉडल। ओके किया कैरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी, लग्जरी प्लस, 5 मॉडल मिलेंगे आपको। अच्छा इसको लग्जरी प्लस बना रहे हो कि लग्जरी बना रहे हैं? एक बार सनरूफ नहीं आता। एक बार दिखाओ फिर क्या क्या हो रहा है अभी गाड़ी में। अभी गाड़ी सारी खुली हुई है। हाँ एक बार बताओ फिर क्या क्या कर रहा है इसके अंदर। डैम्पिंग कर रहे हैं, पैरामैट की गोल्ड सीरीज डबल लेयर डैम्पिंग। अच्छा भाई ये कितने एमएम की रहती है हमारी? 2.2 mm। ओके जी भाई, डैम्पिंग से हमारी गाड़ी की साउंड की जो बेस है वो अच्छी हो जाएगी। साउंड क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, रोड नॉइज की आवाज में फर्क पड़ेगा, एसी कूलिंग में फर्क पड़ेगा। okay. और टायर क्लाइनेस, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं तो टायर की आवाज अंदर आती है, आवाज आती है। हाँ, तो वो सब चीजों में फर्क पड़ेगा। ओके जी, और भाई बताओ हमारी डैम्पिंग होगी। हाँ उसके बाद कॉम्पोनेंट लगाए हैं। कौन से भाई? JBL के भाई। कौन सी सीरीज? ये स्टेज 2 रहने वाली है। ओके जी, हमारी JBL की आ गई। और टूटर की प्लेसमेंट हमने टूटर ऊपर कर रखा कटिंग करके। ओके वो जो स्ट्रोक आता है उसके अंदर ही हमने प्लेसमेंट कर दिया। पहले डंडी वाला मिरर था बेस मॉडल के अंदर। हाँ जी, डंडी हटा के डंडी की जगह पर टूटर की प्लेसमेंट कर दी है। तो डंडी का डंडी क्या जाएगी? अब डंडी हट गई, डंडी घर जाएगी। अब डंडी की जगह क्या आ रहा है? अब डंडी घर पे रखेंगे, उसकी जगह पे ऑटो होल्डिंग लगा दी। अच्छा ऑटो होल्डिंग वाले ओवर भी हम इसके अंदर। और क्या क्या रहने वाला भाई इस गाड़ी के अंदर? और इसके अंदर वेलकम लाइट लगाया। ओके स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल वर्किंग है। हाँ क्रूज कंट्रोल वर्किंग आगे सही में वर्किंग है, बिल्कुल चेक करवाएंगे। चेक होगा जी। चलो भाई क्रूज कंट्रोल और शो भी करना चालू हो गया। क्रूज कंट्रोल काफी भाई क्रूज आ गया बनकर 30 के बाद। अच्छा अच्छा वो बना रहा हूँ ऊपर। हाँ यहाँ पे जी। और भाई स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह सब स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल सारे पार्ट्स ओरिजिनल है। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर में स्टीयरिंग, क्रूज, सनग्लास होल्डर, साइड मिरर्स, ये सारे पार्ट्स OEM है। ओके OEM सारा हमारा रहने वाला। कोई वायरिंग कटिंग तो नहीं? कोई वायरिंग कटिंग नहीं होगा। और जो भी आपकी वीडियोस देख के आएंगे उनको और बेटर डिस्काउंट देंगे। अच्छा बेटर डिस्काउंट मिलेगा बिल्कुल, पर उनको चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाना पड़ेगा। हाँ उनको चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके और मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर दिखाना। हाँ जी एक बार फिर बाहर से बताएं। मिरर आया था गाड़ी के अंदर डंडी वाला। ओके अच्छा अच्छा मिरर पूरा चेंज हो गया और इस तरीके से हमने कर दिया। इंडिकेटर वाला रहने वाला। ओके ये देख लो भाई बिफोर आफ्टर सारा प्रॉपर दिख रहा है। और इस गाड़ी के अंदर हमारे डोर वाइजर आ गए। डोर वाइजर भाई कौन से? डोर वाइजर गैलियो ब्रांड में रहने वाले हैं। अच्छा आफ्टर मार्केट है? आफ्टर मार्केट है। प्रीमियम नेस होती है इनके अंदर? बढ़िया बढ़िया। आप इसको इक्लैलिक होता है पूरा मोड भी लोगे ना फ्लेक्सिबल होता है फुल्ली। ओके कोई कंपनी का भी नहीं मिलेगा फ्लेक्सिबल। कलर वगैरह तो नहीं फेड होता इसका थोड़े टाइम के बाद? नहीं एक बार ये फिटिंग देख लो इसकी अच्छी तरह। और भाई इसके अंदर रूफ रेल सारी है नहीं आ रही? लगाएंगे नहीं आती बेस मॉडल में। ना रूफ रेल आता, ना एंटीना आता, ना लोअर गार्निश आता, ना हैंडल क्रोम आता है, ना साइड बिटिंग आता है। सब पे क्रोम लगाएंगे। अच्छा भी सारा काम होना है। हाँ जी। ओके भाई एक बार देखते हैं पीछे क्या करा कुछ करा। पीछे की तरफ इसमें हम जैसे कि बूट लाइट लगाया है। अच्छा रिफ्लेक्टर लाइट लगाया है भाई इसके अंदर। हमारा बूट लाइट आ गया व्हाइट कलर का। ये वाली व्हाइट करनी है अभी कि नहीं? जो ऊपर अभी करेंगे करेंगे सब चीज करेंगे सब चीज होगी भाई। एक बार रिफ्लेक्टर देख लो अपना वर्किंग में। अभी गाड़ी सारी खुली है। आ रहा भाई आ रहा हूँ 5 मिनट रुक जा। और भाई ये हमारे रिफ्लेक्टर आगे वर्किंग में। और भाई सीट सभी गई हुई है हमारी। सीट गई नहीं है, सीट का प्रोसेस इधर होगा। अच्छा भी होगा। हाँ चलो एक बार भाई वो दिखा दो अपना। और अपने पास रेडी में रहते हैं 10-12 डिजाइन, अगर वो पसंद आए तो फ्रेश बनाते भी हैं। ओके कस्टमाइज सीट मैन्युफैक्चरिंग है। कस्टमाइज हो जाएगा। कस्टमाइज अपनी फैक्ट्री भी दिखा दूंगा, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है सीट कवर की। ओके भाई ये दिखाओ जो मेन दिखाने आए थे। ये फुटरेस्ट रहने वाला है, ये यूनिवर्सल वाला रहेगा भाई। किसी भी गाड़ी में लग जाता है? किसी भी गाड़ी में लग जाएगा। ओके ये इसमें आप जो जोन सी गाड़ी लाएंगे उस गाड़ी का नाम लग जाता है प्रॉपरली।
ये यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है। इसके अंदर पर अपनी गाड़ी की आप बैजिंग करा सकते हो, इधर ये देख लो। हाँ। इधर की जगह आप अपनी गाड़ी की बैजिंग करा लो, जो सी मर्जी गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल भाई। और ओरिजिनल वाला दिखा दो, ओरिजिनल ये वाला रहने वाला है प्रॉपरली, पूरा कैरेंस की ब्रांडिंग के साथ भाई। ओरिजिनल की पहचान है कि उसके ऊपर ब्रांडिंग क्या है। ये भी ओरिजिनल कंपनी से अगर आप लगाओगे तो ये वाला फोटो 20,500 का मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ आओगे तो बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, कम से कम 50% तक का ऑफर मिल सकता है आपको। अच्छा, फुटरेस्ट के ऊपर? फुटरेस्ट के ऊपर। ओके, 50% का डिस्काउंट मिल सकता है भाई आपको फुटरेस्ट के ऊपर जी। और गोलो भाई एक बार आज अपने इंटीरियर पे चलते हैं। ये हमारी लग गई, ये लग गई, लोअर गार्निश लग गया, डोर वाइजर लग गया, डोर वाइजर दिखा दिया था, डोर गार्ड लग गया भाई, डोर गार्ड भी लगा, एंटीना भी लग गया भाई, शार्क फिन एंटीना आ गया अपना। कंपनी से जो आता है वो नॉर्मल आता है, नॉर्मल स्टिक आती है भाई। बताओ गाड़ी के अंदर हमारे एक चीज रह गई थी जी, ये प्रॉपरली फुल्ली फ्लोरिंग करा है लेमिनेशन करके, और इसके बाद जो भी डस्ट वस्ट है ना, हाँ जी, गीला कपड़ा मारो साफ हो जाएगा। ये मेन अपना यूज होता है, जो कंपनी से कारपेट आता है उसको हाँ, प्रोटेक्ट करने के लिए। कोल्ड ड्रिंक गिर जाए, हाँ जी, और कोई कस्टमर ड्रिंक कर रहे, ड्रिंक गिर जाए, कुछ भी गिर जाए तो स्मेल करने लग जाता है उस समय। हाँ। कारपेट सोख लेता है कपड़े को, तो उसको गीला कपड़ा मारो साफ। फिर आपको ड्राई क्लीन करानी पड़ती है, डैगलिंग वाले बदबू स्मेल कर रहा होता है, तो कई बंदों को स्मेल से उल्टी उल्टी होने का डर रहता है। वाटर प्रूफ रहने वाला? फुल्ली वाटर प्रूफ है। और ये कपड़ा है क्या है? ये रेक्सिन रहता है, इम्पोर्टेड वाली रेक्सिन है, इम्पोर्टेड। ओके भाई जी। और भाई सीट कवर की फिटिंग चल रही है अपनी? हाँ जी, सीटों की भी फिटिंग होगी अपनी पीछे की। एक बार जब आप पूरी कंप्लीट होगी उसके बाद ही दिखाएंगे आपको गाड़ी। तो गोलू दिखाओ सीट बकेट होते हुए एक बारी। ये देख पा रहे होंगे हमारे साथ सीट कवर बकेट फिटिंग करने वाला स्टाफ रहने वाला। ओके, क्वालिटी में सीट कवर बकेट फिटिंग कर दो बताओ। पहले इसमें सिलाई खुलता है भैया, ठीक है, तो रड निकलता है, रड निकल के अपना सीट है ना, उसमें क्लिपिंग करता हूँ। अच्छा, मतलब रड डाल के उसमें उसके बाद क्लिपिंग करता हूँ अंदर में, तब पूरा परफेक्ट में बैठ जाता है। उसके बाद बकेट फिटिंग आ जाता है भाई, ढंग से कैसे ना, कारीगर को ढंग से नहीं होगा सीट। अच्छा भाई, कारीगर है, अगर ढंग से फिटिंग ना हो ना तो आप मेरे पास आ सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, और क्वालिटी जिस तरीके का आप चाहेंगे उस तरीके भाई करके देगा। ओके, तो भाई जो रोड यूज करते हैं जो निकलती है वो कंपनी की होती है भाई। अच्छा, कंपनी वाली यूज, और उसके बाद ये हमारे सीटों में हम डालते हैं रोड होने के लिए। ओके, और इसके बाद क्लिपिंग करते हैं हम। इसके अंदर रोड जो उनसे अपनी प्लास्टिक की रहने वाली है या मेटल की रहने वाली है? प्लास्टिक की भाई रहने में। अच्छा, प्लास्टिक वाली कंपनी प्लास्टिक की, कंपनी प्लास्टिक यूज करने लगी है वो। ओके जी। और भाई एक बार देख लो, ये हमारी फिटिंग चल रही है, अभी सिलाई खोल रहा है भाई। एक बार सिलाई खोल दे फिर दिखाते हैं आपको। उसके बाद इस क्लिपिंग से यूज करते हैं लोग शायद, जब तक कभी कोई मिस्त्री से आप नहीं खुलवाएंगे तो सीट हिल नहीं सकता। अच्छा, और लाइफ टाइम गारंटी रहने वाला सीट कोर का 15 साल। अगर खराब हो गया तो ऑन द वीडियो कह रहा हूँ, आप आके चेंज करवा सकते हैं। आप कहना कि भाई मैं भाई की पाजी की वीडियो देख के आया था, आपके पास काम करवाया था, और ये वीडियो रहने वाली है, चेंज कर देना सीट कोर। बस भाई लाइफ टाइम से यार किसी चीज की गारंटी नहीं होती। सीट कोर की ऐसी क्वालिटी है अपने पास ना, कपड़ा ऐसा है ना कि मैं हर चीज के लिए लाइफ टाइम लूंगा, सीट कोर के लूंगा बस। कपड़ा कौन सा वैसे? कपड़ा बस इम्पोर्टेड रहने वाला है, इम्पोर्टेड। कहाँ से इम्पोर्ट करे है? अब वो सब नहीं बताओ, कॉपी मार लेंगे ना, कॉम्पिटिटर कॉपी मार लेते, कॉम्पिटिटर वाले। अच्छा जी। और भाई हमारी क्लिपिंग निकल रही है, आ गई अपनी क्लिपिंग बार, और एक बार जब हो जाएगा फाइनल लुक दिखा देंगे। सो गोलू भाई हमारी गाड़ी हो गई है तैयार, एक बार इसका बता दो सारा क्या क्या हुआ इसके अंदर। इसके अंदर जो हमने हेडलाइट के अंदर लगाया DRL। चलो भाई, हमारे हेडलाइट के अंदर अपना DRL इंस्टॉल हो गया जी। हाँ जी, और इसके अंदर DRL में आपको इंडिकेटर ऑप्शन भी मिल जाएगा। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर? हाँ, मैट्रिक्स के अंदर भाई, मैट्रिक्स के अंदर हमारे इंडिकेटर भी रहने वाले हैं DRL के साथ में। ये देख लो एक बार। और भाई हो रहा आगे, और हेडलाइट के अंदर LED लगाई है जो कि जिसका फोन चेकआउट कर पा रहे हैं। भाई कितने वोट की डाल दी? 130 वोट की है बस भाई। थ्रो तो बहुत बड़ा है, बढ़िया भैया, प्रॉपर है ना। हाँ जी, कौन सी कंपनी की? ये डीट वो है अपने पास, मिशिगन 130 वाट। ओके जी, चलो आओ भाई एक बार ये देख लो, दोनों साइड अपना सेम है, एक बार ये थ्रो देख लो इसका, एक बार दोनों इंडिकेटर ऑन करके दिखा दो, हजार्ड ऑन कर दो। और भाई एक बार ये फ्रंट से देख लो अपनी गाड़ी, ये देखो थोड़ा, ये अगर रात को ऐसे दिखेगी ये बहुत बढ़िया दिखेगी। ओके भाई, हाँ जी आइयो, आजा गोलू भाई, आजा आजा। सो भाई आगे हमारी हेडलाइट होगी, हेडलाइट के ऊपर क्रोम लगाया है। अच्छा, हेडलाइट के ऊपर क्रोम भी लग गया अपना, ये देख लो। और भाई नीचे फोगलाइट नहीं लगाई? फोगलाइट का ऑप्शन है, लगवा सकते हैं, अपने पास ओरिजिनल और आफ्टर मार्केट दोनों है। अच्छा, ओरिजिनल और आफ्टर मार्केट में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? दिखा दूंगा मैं आपको। अच्छा, क्वालिटी के अंदर डिफरेंस रहने वाला है। चलो फिर चले आगे।
साइड प्रोफाइल में बात करें तो ऑटो फोल्डिंग मिरर जो चेंज किया था, मिरर का पूरा पीस चेंज हुआ है, पूरा पीस चेंज हुआ है। ओके जी, इसके अंदर हमारे इंडिकेटर भी आ गए। हाँ, इंडिकेटर भी आ गए। इंडिकेटर ये नॉर्मल है कि मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में ही रहता है। ओके जी, ये अपना ये भी मैट्रिक्स में रहने वाला है। और भाई और डोर वाइजर्स, डोर वाइजर अपने गैलियो के। हाँ, लोअर विंडो गार्निश ये OEM है कि आफ्टर मार्केट है, बेटर क्वालिटी के अंदर में लेकिन। अच्छा अच्छा, इसकी है क्रोम की शाइन वगैरह तो नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। ओके भाई आगे डोर गार्ड, भाई डोर गार्ड आ गया अपना आईपॉप का। हाँ, हैंडल क्रोम, हैंडल क्रोम आ गया। फिंगर गार्ड देख लो भाई अपना, हैंडल क्रोम भी पेस्टिंग वाला पार्ट। हाँ, पेस्टिंग वाला पार्ट रहना। और ये भाई इसका क्या यूज होता है? फिंगर गार्ड, इसमें कई बार अंगूठी वगैरह पहनो तो ना, इस पे स्क्रैच पड़ता है तो वो नहीं पड़ेगा, ये प्रोटेक्शन के लिए होगा अपना। चलो भाई आगे चलते हैं। नीचे इधर साइड बिडिंग। ओके भाई, नीचे अपनी साइड बिडिंग आ गई, देख लो एक बार फिनिशिंग, देख लो भाई सारी एक बार लुक देखो पूरी क्या निकल के आ रही गाड़ी की, कितनी बढ़िया साइड से। थोड़ा बहुत क्रोम का काम कराने से गाड़ी शाइन मारती है रात के टाइम, बहुत बढ़िया। और अपना पीछे भी आ गया। हाँ, पीछे ये अपनी सिक्स पीस के अंदर है, सिक्स पीसेस के अंदर डोर वाइजर, सिक्स पीसेस के अंदर लोअर गार्निश। ओके भाई, दोनों चीजें अपनी सिक्स पीसेस के अंदर है। ऊपर रूफ रेल, इसकी लुक चेकआउट कर पा रहे हैं, गाड़ी प्रॉपरली पूरी हिल जाएगी रूफ रेल के बाद। ओके भाई, गाड़ी हिल रही है अपनी। हाँ, पूरा पेस्टिंग वाला पार्ट है, पेस्टिंग वाला पार्ट है, लेकिन बेटर क्वालिटी के अंदर में लगा 3M के प्राइमर के साथ, प्राइमर यूज करे इसके अंदर। ओके भाई, ऊपर एंटीना, अपना शॉक फिन एंटीना आ गया भाई, ये देख लो, वो भी अपना पेस्टिंग वाला पार्ट, पेस्टिंग वाला पार्ट रहने वाला। ओके, अब हम बैक प्रोफाइल से देखें तो बैक प्रोफाइल में क्या क्या करा? कैमरा भाई, कैमरा कौन सा भाई? अपना HD कैमरा, HD कैमरा, बंपर में नहीं लगाते हम कैमरा, कई बार आपने देखा होगा बंपर में कैमरा लगा वो बड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा, हम OEM प्लेसमेंट पे फिटिंग करते हैं भाई, OEM प्लेसमेंट वगैरह नंबर प्लेट के ऊपर। जी हाँ जी भाई, उसके बाद रिफ्लेक्टर लाइट, ब्रेक पार्किंग वाली भाई, ये देख लो वर्किंग में अपनी है, रिफ्लेक्टर अपने वर्किंग में कितनी है देख लो एक बार। उसके बाद अंदर की तरफ बूट लाइट, अच्छा दिखा दो भाई एक बार, अंदर की तरफ बूट लाइट मिल जाएगा भाई, कंपनी के टॉप मॉडल ओरिजिनल है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, टॉप मॉडल वाला हमारा पार्ट रहने वाला, देख लो व्हाइट कलर के व्हाइट कंपनी से भी पीले आते हैं, LED कर देते हैं। ओके, अंदर भी सारा LED कर दिया है। हाँ, और भाई और सीट कवर की फिटिंग देख पा रहे हो, बाद में दिखाएंगे। हाँ, वो तो मेन है, मेन दिखाएंगे वो, इंटीरियर सारे इकट्ठा दिखाएंगे। एक बार आगे चलते हैं, ये वाली लाइट नहीं चेंज करी आपने? इसको भी व्हाइट कर देंगे, करना है कर देंगे। ओके चलो, इधर भी अपना वही रहने वाला है सारा, अपने डोर वाइजर आगे, नीचे अपना सिक्स पीस के अंदर वो आगे, और नीचे अपनी बिल्डिंग आगे साइड। अंदर की तरफ बात करें तो भाई पहले पैनल से स्टार्ट करते हैं जी, इसके अंदर हम दिखा देते हैं डोर कुशनिंग भाई, डोर कुशनिंग आगे अपनी वो भाई, ये तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये एक्स्ट्रा करी आपने? हाँ, एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ करा है भाई, ये देख लो यार, देख लो वीडियो में शायद कैमरा जस्टिफाई, ये देख लो कर रहा है भाई जस्टिफाई, देख लो भाई अपनी कुशनिंग बढ़िया वाली कर रही है इसके अंदर। और अपना वही जो सीट कवर वाला कपड़ा वो सेम। ओके भाई, वो सेम ही अपना कपड़ा रहने वाला है। और भाई ये एम्बिलेट यार बहुत बढ़िया फिनिशिंग दी है आपने। हाँ जी, कैसे? ये बिल्कुल जैसे कंपनी का आता है 00 सेम लगा है। ये कौन से यूज करिए आपने? K3 वाला रहने वाला है। अच्छा, हमारा K3 रहने वाला है, 1 ईयर वारंटी के साथ, 1 ईयर वारंटी मिल जाएगी आपको। और ऑटो फोल्डिंग करने के बाद टूटर की प्लेसमेंट यहाँ करा है, जिस बात कोई नहीं कह सकता कि आफ्टर मार्केट काम हो रखा है गाड़ी के अंदर। अच्छा, कंपनी जो देती है प्लेट जो ये वाला होता है, डंडी रहती है बीच में, डंडी रहता था। ओके जी, आपने डंडी की अगर ट्विटर लगा दिया, ट्विटर अपना JBL। ओके, और भाई आगे चलते, ऊपर की तरफ बात करूँ तो पहले ये लग के आया था गाड़ी के अंदर, ये लग के आता है भाई, नॉर्मल अपनी लाइट आती है, और ये अपना अब हमने सनग्लास होल्डर लगाया प्रॉपरली, ओरिजिनल प्रॉपर वर्किंग में रहना है, सॉफ्ट टच के साथ है, सॉफ्ट टच नहीं रहता इसके अंदर, हल्का सा प्रेस करा हाँ। तो हो जाएगा अपना, ये देख लो भाई। और भाई आगे आगे एम्बिएंट लाइटिंग, डैशबोर्ड की लुक चेकआउट कर पा रहे हो, देख लो अपनी एम्बिएंट लाइटिंग की पूरी फिनिशिंग देखो यार, ये देख लो एक बारी, एज टू एज है, जैसे एज में वो कईयों की होती है वो ब्राइट हो जाती है, ब्राइट प्रॉपरली है, बिल्कुल सेम रहने वाली है पूरी स्टार्टिंग से एंडिंग तक, प्रॉपर स्टार्टिंग से एंड तक भाई हमारी सेम रहने वाली है। गाड़ी के अंदर हमारी फ्लोरिंग भाई है, वो दिखा दी थी आपको पहले अच्छी तरह, वेलकम लाइट भी आ गई भाई इसके अंदर हमारी, ये आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट। हाँ भाई, अपना आफ्टर मार्केट रहने वाला है। और भाई इसका सिस्टम स्टीरियो एक बार क्या है, इसके रहने वाला 2GB रैम, 16GB इंटरनल, मोबाइल हॉटस्पॉट दो, यूट्यूब प्ले स्टोर, गूगल मैप, फुल्ली एंड्रॉइड है भाई। कौन सी कंपनी का है ये? पी सोनिक का रहने वाला, हाइपर सोनिक का मॉडल है, पी सोनिक। अच्छा, ये लेटेस्ट चल रहा है? हाँ जी, लेटेस्ट चल रहा है।
ये अपना लेटेस्ट पीसोनिक रहने वाला मॉडल हाइपरसोनिक में आता है। अपनी रैम 2GB और 32 स्टोरेज की 16 अपनी स्टोरेज आ गई है। एक बार भाई सीट कवर दिखा देते हैं, सीट कवर की फिटिंग चेकआउट करवा देते हैं किस क्वालिटी के अंदर में रहने वाला है। सीट कवर की दिखा दे एक बार आप फिनिशिंग वहाँ पे हमारा काम भाई। अब हम जाते हैं इंटीरियर पे। गुल भाई बताओ एक बार सीट कोर की लुक चेकआउट कर पा रहे होंगे क्वालिटी किस क्वालिटी में रहने वाला है। मैं ये सिलाई देख लो, स्टिचिंग देख लो भाई पूरी एक टू एज है। फिटिंग में देख लो बिल्कुल ओके है। इसकी फिटिंग जो रहती है हमारी क्लिपिंग से रहती है। हाँ फुल बकेट क्लिपिंग के साथ। ओके भाई ये फुल्ली बकेट करा आपने, ये देख लो एक बार। फॉर्मिंग तो नहीं करी एक्स्ट्रा? नहीं ओरिजिनल फॉर्मिंग रहने वाली है। ओरिजिनल फॉर्मिंग के साथ सीट कोर में हमारे अपने अभी फॉर्मिंग डाल के सीट कोर बकेट बनाते हैं भाई। एक बार देख लो यार बहुत प्रीमियम लुक आ रही है। ये देख लो हाँ ये दिखा रहा हूँ। तो ये लोग कहते हैं इससे दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आती भाई, चढ़ जाता है इजीली। चढ़वाना है प्रोफेशनल तरीके से काम करवाओ ना भैया। हाँ करवाना है तो कहाँ आना है, ऑटो लीड कार से गोलू तिवारी के पास आना है। गोलू तिवारी के पास आना है हाँ। तो भाई मैं बात कर रहा था एक बार एड्रेस दिखाओ। एड्रेस दिखाओ भाई, कोई एल्फी वाला काम तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं भैया दिखा दो। अगर एल्फी वाला काम कर दी तो आपकी वीडियो देख के आने का क्या फायदा, रोड पे गाड़ी नहीं पकड़ेंगे भाई। दिखा दो भाई ये देख लो पूरा अपना जिप वाला रहने वाला हाँ। ये देख लो भाई कोई एल्फी का वर्क नहीं हुआ, पूरा सिंगल पीस के अंदर अपने एड्रेस का। और भाई अपने सीट कवर कौन से हैं, जिप वाले हाँ या नॉर्मल? जिप वाले हैं। एक वो नॉर्मल आते हैं पूरे वो चद्दर सी चढ़ा देते हैं, वो काम अपने यहाँ नहीं होगा। अच्छा अच्छा जो भी होगा क्वालिटी के अंदर, क्वालिटी के अंदर होगा भाई काम। एक बार ये फिनिशिंग देख लो, दिखाए तो अच्छी तरह देख लो भाई। एक बार पूरी प्रीमियम लुक आ रही है यार गाड़ी के अंदर। एक बार पीछे तक देखोगे ना अगर आप, पूरा मैच कर दिया भाई ने। जैसे यहाँ पे आता है डबल टोन में ऐसे गाड़ी आती है, डबल टोन में गाड़ी है वैसे वैसे भी सीट कवर है पूरी तैयार कर दी। यहाँ पे भी अपना सारा डबल टोन कंपनी देती है और भाई ने पूरा डबल टोन के अंदर सेम कलर ढूंढ के करके दिया। हमारे सिंगल ऐसा नहीं होता कि कोई टैन डाल दिया हो, ब्लू डाल दियो, जो भी काम होगा क्वालिटी के अंदर होगा। और एक कस्टमर का अपना कस्टमाइज डिजाइन है जी जी। एक कस्टमर ने स्पेशल कस्टमाइज करवाया अपने हिसाब से, जैसे ऊपर बर्फी करवा दी नीचे अपना स्ट्रेट करवा दिया। सो और भाई एक बार हम आते हैं यहाँ पे अपने एमबी लाइट हमने दिखा दी थी, फिनिशिंग देख लो भाई। एक बार हम आपको अंदर से सारा दिखाते हैं। इसके अंदर जो मेन काम करा हमने मेन तो एक चीज करी है जो आज तक कोई कर नहीं पाया। क्या चीज? क्रूज कंट्रोल। यस क्रूज कंट्रोल भाई इंस्टॉल हो गया, वर्किंग रहने वाला हमारा। ये देख लो इधर अपने दूसरे आगे ये अपना बेस मॉडल था, इसके अंदर पूरा स्टीयरिंग कंट्रोल अपना चेंज हुआ है जी। इधर भी अपने चेंज हो गए इंफोटेनमेंट के, और उधर भी भाई अपने ये रहा अपना क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग डबल टोन में, और स्टीयरिंग भी भाई अपना डबल टोन में कर दिया भाई ने जी। ये देख लो जो सीट कवर में सेम है ना, ब्लैक थोड़ा है और ये जो अपना ऑफ व्हाइट आता है वो ज्यादा हाँ। और इधर भाई ने सेम करके दिया है बिल्कुल जी। और सिस्टम का फ्रेम पियानो ब्लैक और डिस्प्ले लगा है। ये आपके पास रेडी मिलता है या आपने वो हाइड्रो टेप करवाया? रेडी होता है अपने पास, रेडी होता है भाई। एक बार ना एमबी लाइट बंद करके दिखाओ क्योंकि पता लगता है लगी है जब बंद कर देते आप। और ये अपनी एमबी लाइट स्विच के साथ रहने वाली है, और इससे क्या होता है बैटरी पे लोड कम आता है और एमबी लाइट की लाइफ बढ़ जाती है अगर आप स्विच लगवा लेते हो। बिल्कुल जैसे कई डायरेक्टर को आते हैं उससे कुछ इफेक्ट आता है? बिल्कुल फैक्ट्री इफेक्ट आता है, हमेशा चल रहा होगा। जिसको नहीं एमबी लाइट पसंद वो क्या करेंगे, डे के टाइम पे भी चल रहा होता है और डे के टाइम पे मैं आपकी बात मानता हूँ ओवर हीट भी होता है हाँ। अब जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है एमबी लाइट का वो परेशान होते हैं, फिर चुपती भी है कई बार होती है हर एक चीज की ना वो होता है पसंद होती है, जब कोई भी चीज ओवर होती है वो परेशान करती है, इसलिए स्विच जरूरी है। और भाई एक बार अपने स्टीयरिंग कंट्रोल आगे, और ये स्विचिंग नॉर्मल वाली है अपनी। एक बार स्टिचिंग की फिनिशिंग देख लो यार, प्रॉपर पूरी एच टू एच करी है, अब पूरा काम हो गया गाड़ी का। और भाई एक बार स्टीरियो का आउटपुट आपको भी सुना देंगे क्योंकि अपने कंपोनेंट चेंज हुए हैं, कंपोनेंट और कोएक्सियल लगाए हैं। अच्छा कंपोनेंट और कोएक्सियल दोनों लगा है इसके अंदर भाई। एक बार आपको पीछे से भी दिखाया था फिनिशिंग, तो भाई अपना पीछे आते हैं, अपने पीछे भी हमें एमबी लाइट मिल जाती है। और ये फिनिशिंग देख लो यार एक बार, एमबी लाइट की पूरी 0-0 करी है भाई ने। और भाई इधर अपनी आगे की अकरेंस की भाई वेलकम प्लेट आगे भी बड़ी तो पीछे भी बड़ी रहने वाली है अपनी। और भाई जो मेन है अपना पीछे की एक बार फिनिशिंग देख लो, और ये भाई बटन की कटिंग देखो यार कितनी प्रॉपर करके दिया भाई ने। आपने जितने भी देखी होंगी पहले इतना ये जो ब्लैक वाली क्लिपिंग है ये अंदर ही छोड़ देते हैं, अब ये पूरी प्रॉपर वायर निकाल दी है। और भाई पीछे के अपने हेडरेस्ट हैं जो वो वही रहने वाले हैं, जिप वाले रहने वाले भाई देख लो। कोई एल्फी का काम नहीं हुआ यार, जैसे एल्फी का काम कर देते हैं कोई एल्फी का काम नहीं हुआ। इसको हम डालते हैं अपने अंदर, एक बार आपको सीट टंबल करके दिखा देते हैं। और ये देख लो भाई अपना मैं
पुश करके पीछे हो गया। ये देख लो भाई, पूरी अपनी सीट टंबल हो गई है, और नीचे अपनी फ्लोरिंग है, पीछे भी अपनी भाई। एक बारी फिनिशिंग देख लो सीट कवर की, फुल टाइट फिनिशिंग आई है यार एक बारी। और क्योंकि अपने सारे हेडरेस्ट अलग अलग रहने वाले, और पीछे के भी हेडरेस्ट ओके ओके हो गया भाई, बिल्कुल जिप वाला रहने वाला उनके ऊपर भी। और मेन जो है हम आपको दिखाएंगे आर्मरेस्ट भाई, बिल्कुल भी नहीं अड़ रहा यार। ये देखो ऐसे हमने हल्का सा यहाँ से करा, इसको करा, ये देखो भाई इजी यार भाई, एक उंगली से डाउन, कोई घिसाई नहीं हो रही, कुछ नहीं खींचा जा रहा। फिनिशिंग देख लो, यहाँ से कटिंग हुई है कपड़ा चढ़ने के बाद, ये देख लो यार बिल्कुल ओके, बिल्कुल वही हम काम करके देते हैं, बिल्कुल जर्मन काम मिलेगा भाई आपको। ऐसा काम कराना है तो भाई ऑटो लीड आ जाओ, ऑटो लीड कार एक्सेसरी, ये अपना करोल बाग में है। एक बार आपको प्रॉपर एड्रेस बता देंगे शॉप का। और ये पूरी गाड़ी के अंदर अपने जो डोम लाइट्स आती हैं वो भी हमने वाइट कर दी हैं, ये देख लो, डिक्की आपको दिखा देते हैं। अब गाड़ी एक बार कर देंगे पूरी बंद, और एक बार आपको कस्टमर का रिव्यू दिलवा देते हैं। और मेन चीज़ अभी हमने आपको दिखानी है, जो हमने इसके अंदर की भी चेंज कर दी है, और भाई इसके अंदर हमें अपनी OEM जैसे कंपनी से की आती है वही मिलने वाली है भाई सेम। ऐसी आपने देखी नहीं होगी भाई, किसने बनवा के दी आपको स्मार्ट की। और ये मेन देखो यार लॉक, होए होए होए, ये अपने खुद ही बंद हो रहे हैं। ये देख लो अपना जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो भी है हमारे, ये देखो आपको हम दिखाते हैं। अनलॉक करा, बंद हो गए, अनलॉक करा भाई खुल गए, ये हो गया हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार। एक बार हम आपको कस्टमर रिव्यू दिलवा के और वीडियो को करते हैं एंड। इधर भी अपना हो गया, ये अपने स्टीयरिंग कंट्रोल आ गए, देख लो भाई सारा, ये मिरर ऑन ऑफ का आ गया अपना। और गाड़ी अपने बिल्कुल कंप्लीट पैक रहने वाला है। और स्विच की प्लेसमेंट हमारी इधर हुई है, जो हमने एमपी लाइट लगाई है इसके अंदर, और कोई वायरिंग कटिंग हार्नेस नहीं, सारा कपलर टू कपलर काम हुआ है। और गाड़ी रेडी होगी, कस्टमर रिव्यू दिलवाते हैं फिर वीडियो को करते हैं एंड। बोलो भाई एक बार क्रूज कंट्रोल की वर्किंग भाई हमारे यहाँ पे ओके चल रही है, एक बार देख लो मीटर में 33 लिखा आ रहा है, और गाड़ी भी अपनी 33 पे चल रही है। भैया ने पैर हटा रखा है, ये भी चेक आउट कर, भैया ने पैर हटा रखा है, फ्लैश ऑन नहीं है, और भैया ने पैर वगैरह हटा रखा है। और भाई इसके अंदर जो अगर हमने क्रूज कंट्रोल करा है हमारी उसी मीटर के अंदर, क्रूज कंट्रोल का स्पीड कैसे आ रहा है, कुछ आपने चेंज करा है? कपलर टू कपलर कुछ चेंज नहीं करा। अच्छा मीटर अपना वही स्टोक रहने वाला, मीटर स्टोक रहने वाला। अच्छा अपने स्टोक मीटर के अंदर भाई वो अपना क्रूज कंट्रोल वर्किंग का साइन आ जाता है। अभी क्रूज नहीं लगेगा भैया, 30 के बाद लगेगा। अभी देख लो कोई अगला अगला घट है अपना, अगला घट है जी। 30 क्रॉस करती है आप क्रूज गोलू का भाई का काम कैसा लगा? बहुत बेहतरीन लगा, सही गाइडेंस देते हैं, कुछ गलत चीज तो नहीं गाइड करते, जो भी काम किया अच्छा किया। गाड़ी करेंगे तो फिर गोलू का खून नहीं पी लेंगे यहाँ आके हैं गोलू को। हाँ हम तो लोकल के ही है ना, दिल्ली में ही 10 साल हो गई, 20 साल जॉब करते हुए। ओके हाँ, तो गोलू को तो रोज आगे यही खून पीते रहेंगे, तो इसलिए गोलू गलत काम करेगा ही नहीं, और वैसे तो किसी के साथ नहीं करेगा हमारे। और कितने सारे किए करने से डेली मोटिवेशन होती है हमारे सामने, 3 से 4 तो हो चुकी है जी। आपके कितने पैसे लग गए गाड़ी को मॉडिफाई कराने के लिए? ऐसे करीब हमारे अप्रोक्स बता दो, 1-15 के करीब लग गया। आपने जितना स्पेंड करा आपके लिए वर्थ है? हाँ बिल्कुल। आपको पैसा खर्च करके ऐसा तो नहीं लग रहा मैंने बिना बात का, आपको पूरा तसल्ली है कि मैंने खर्चा है, मैंने अपनी पसंद से खर्चा है जी। और आपको सारा सामान मिल गया जो मार्केट में है नहीं जी, गोलू के पास सब मिलता है, सब कुछ मिलता है, और कुछ जो नहीं मिलता है वो गोलू उपलब्ध करा देता है थोड़ी बहुत देर में। और भाई की हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी आपको? बेस्ट लगी, सही गाइडेंस दी सब करा। तो आप भाई को कितनी रेटिंग देना चाहोगे 10 में से? 10 में से 7। ऐसा क्यों? क्योंकि गोलू भैया भी घुस गए। बताओ सही बताओ। 9। क्योंकि 10 में से 10 तो होता नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। 9 बिल्कुल सही रेटिंग है।
और भाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भाई जी अगर आपको ऐसा तगड़ा काम कराना है गोलू भाई बता दो आना कहाँ पे। ऑटो लीड कार एक्सेसरीज दिल्ली करोलबाग 18/20 अब्दुल रहमान रोड। ओके आपको आना है, पूरा एड्रेस है, स्क्रीन पे नंबर दिए पे कॉल कर सकते हैं। भैया ने भी कॉल किया, लोकेशन मंगाया, एस्टीमेट मंगाया, उसके बाद आए। ओके जी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।